हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन 1 ट्रिलियन होल्डिंग पावर आज मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एंड गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स के लिए, जिन लोगों ने बेबी डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, ये फिर आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब गाइस, यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन कितने जीरो किल करने पर आप लोग को कितना रिटर्न देने वाला है, वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ऑलरेडी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बेबी डॉज कॉइन के अगर करंट प्राइस की बात करें तो $0 के पेयर में 8x0.1593 का प्राइस चल रहा है। लास्ट 24 आवर्स में 4% यहां पर डिक्रीज हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस, अगर तुम बेबी डॉज कॉइन बाय करते हो 1 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन, अब बेबी डॉज कॉइन 1 ट्रिलियन बाय करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे हमें बहुत तगड़ा डॉलर चाहिए, मतलब 1 मिलियन या इतने डॉलर चाहिए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेबी डॉज कॉइन को अगर आप लोग 1 ट्रिलियन बेबी डॉज बाय करना चाहते हो तो करंट प्राइस के हिसाब से आप लोगों को सिर्फ $1164 चाहिए। कितने आप लोगों को चाहिए? सिर्फ $1164, इसमें आप लोगों को 1 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन मिल जाएंगे। अब गाइस, इनकी पावर को आप लोगों को मैं समझाता हूँ। बेबी डॉज कॉइन अगर आप लोग 1 ट्रिलियन होल्ड करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हो आप, बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो 420 क्वाड्रिलियन है। 420 क्वाड्रिलियन, अगर इसमें से आप लोग 1 ट्रिलियन कॉइन ले लेते हो तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है बेबी डॉज कॉइन पे, बिकॉज 420 क्वाड्रिलियन बहुत बड़ी सप्लाई है। इसमें से जो अभी तक बर्न हुई है वो हुई है 195 क्वाड्रिलियन। जी हाँ गाइस, 195 क्वाड्रिलियन बर्न हो चुकी है। सर्कुलेट के अंदर 154 क्वाड्रिलियन है और अभी जो 50 क्वाड्रिलियन और बर्न हो सकती है 20-25 दिन के अंदर। 50 क्वाड्रिलियन का यहाँ पर प्रपोजल पड़ा हुआ है, उस पर वोटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेबी डॉज कॉइन को अभी एक्सेप्ट किया है नाउ पेमेंट्स ने एक्सेप्ट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पर एक दो कंपनी और हैं जिन्होंने बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पर अभी एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेबी डॉज कॉइन के जो होल्डर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं नंबर 1 कम्युनिटी इन क्रिप्टो मीम कॉइन्स में। ऑल टाइम हाई से 75% यहाँ पर डिक्रीज हुआ है बेबी डॉज कॉइन। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर 35+ एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अब गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 35 एक्सचेंज पे अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो पेंडिंग के अंदर है वो अभी कम से कम 75 एक्सचेंज पे और ये लिस्ट होना चाहिए, जो कि अभी कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, ना ही आपके बाइनेंस पे अवेलेबल है। अगर बाइनेंस पे ये लिस्ट होता है तो आप लोगों को पता है कि फिर यहाँ से जो जितने भी एक्सचेंज है छोटे मोटे वो सब इसको लिस्ट कर लेंगे एंड इसमें एक बहुत बड़ी यहाँ पर क्वांटिटी में यूज़र्स आ जाएंगे। जिसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो अभी होल्डर्स के देखने को मिल रहे हैं 1.56 मिलियन, ये आप लोगों को 2.5 मिलियन या 3 मिलियन होल्डर्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये बाइनेंस के ऊपर आता है और बड़े एक्सचेंज पे आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हो करंट टाइम पर अगर आप बाइंग करते हो तो आप लोगों को कुछ इतने USD के यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर गाइज इसका प्राइस होता है हमारा 0.8x0, जो अभी भी 8 टाइम है लेकिन यहाँ पर 5 आ जाते हैं, तो यहाँ पर अभी जो 1 चल रहा है ये 5 में आ जाता है, तो आप लोगों का जो $1164 है वो आपके $5000 बन जाएंगे। अगर गाइज यहाँ पर 10 किल हो जाता है तो यहाँ पर आपके $10000 बन जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर 20 किल होते हैं तो आप लोग देख सकते हो 6x0 पे आप लोगों के $100000 बन सकते हैं, 5x0 पे आपके $1000000 बन सकते हैं। एंड गाइस, अगर 4x0 किलो होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के देख सकते हो आपके 100 मिलियन डॉलर यहाँ पर बन जाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पर अगर 3 किलो होते हैं 1 बिलियन, 2 किलो होते हैं 10 बिलियन। एंड गाइस, 10 बचता है तो यहाँ पर अगर 10 बचता है यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो कि 100 बिलियन, मतलब अगर इतने जीरो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जब इसके अंदर 8 बचेंगे तब इतना, 7 बचेंगे इतना, 6 पर इतना, 5 पर इतना, 4 पर अगर 10 बचता है तो इतना प्राइस बन सकता है। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर इतना प्राइस बनना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अब गाइस, यहाँ पर पॉसिबल और नॉट इम्पॉसिबल ये तो यहाँ पर बर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये बर्निंग कितनी करते हैं, बिकॉज अगर इसकी सप्लाई जो है वो सप्लाई अभी क्वाड्रिलियन के अंदर है, अगर ये सप्लाई यहाँ पर बिलियंस में हो जाए, लेकिन बिलियंस में सप्लाई नहीं खाली ट्रिलियंस में सप्लाई हो जाए, ट्रिलियंस में भी इसकी सप्लाई होती है, तो लोग जो होल्ड करेंगे ट्रिलियंस कॉइन। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इतने ज्यादा किलो होने पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट कैप यहां से आएगा कहां से? मार्केट कैप यहां पर डिपेंड करता है किसी भी प्राइस को आगे ले जाने के लिए। तो यहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग 2-3 जीरो इजिली यहां से किल हो सकते हैं
और 2-3 0 भी किल होते हैं तो आप लोगों के $10,000 बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $1,000 के $10,000 या $1,00,000 बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो में। ऑलरेडी शिबा इनू कॉइन ने ये सब चीज़ें करके दिखा दी है। तो शिबा इनू कॉइन के अंदर लोगों का बहुत बहुत पैसा बनाया एंड वो चीज़ यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो आप लोग यहाँ पर अगर चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो एक छोटा सा अमाउंट। एंड गाइस यहाँ पर ये कुछ अपडेट थी, आई होप कि आप लोगों को ये बेबी डॉज कॉइन की कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी। एंड इतना जीरो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कहते हैं कि 3 0 किलो हो जाएंगे, 4 0 किलो हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को सामने बिल्कुल यहाँ पर ये आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो कि कितने जीरो पर कितना प्राइस आपका बन सकता है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।